दोस्तों, अमर हो जाने के तरीकों की खोज इंसान कई सदियों से करता आ रहा है। हमेशा जिंदा रह पाने की शक्ति दुनिया के हर इंसान के मन को ललचाती है। कई समाज और धर्म अमृतत्व को बुरा मानते हैं, पर तब भी अपने पास कभी न खत्म हो सकने वाले समय की शक्ति मन को ललचा ही देती है। आइए जानते हैं दुनिया भर में लिखी कुछ ऐसी पौराणिक चीजों के बारे में जो इंसान को अमर बनाने की शक्ति रखती है। आप देख रहे हैं फैक्ट जिनी। दोस्तों, जापानी लोक कथाओं के अनुसार समुद्रों में जलपरी जैसा एक जंतु पाया जाता है जिसे निंग्यो कहा जाता है, जो बंदर और केकड़े जैसा दिखता है। ये जंतु समुद्रों की गहराई में घूमता रहता है और अगर पकड़ लिया जाए तो तूफान और बुरा समय अपने साथ ले आता है। कहा जाता है कि निंग्यो के मीट को खाने से इंसान तुरंत ही अमर हो जाता है। ताओ धर्म की माने तो मरकुरी से निकलने वाला एक तत्व सीना बार भी इंसान को अनंत काल तक जिंदा रख सकता है। ताओ धर्म के लोगों का मानना था कि सीने बार और सोना खाने से वो अपने गुण यानी क्वालिटीज इंसान के शरीर को दे देंगी। सीना बार का इस्तेमाल अमर होने का एक केमिकल बनाने के लिए किया जाता था। चाइना में कई बार इसे बनाने की कोशिश भी की गई, पर असली विधि ना पता होने के कारण उसे चखने के बाद ही कई लोगों की मौत हो गई। ग्रीक कहानियों के अनुसार ग्रीक के भगवान, जिन्हें ओलंपियंस भी कहा जाता है, जैसे कि जियोस, उन्हें अपने अमृतत्व मिलता था एम्ब्रोशिया नाम के एक ड्रिंक से, जो कि शहद की तरह स्वाद करता था और सफेद कबूतरों द्वारा उन तक पहुंचाया जाता था। चाइनीज कहानियों में भी एक ऐसे ही फल पीच ऑफ इमोर्टैलिटी के बारे में बताया गया है, जिसका पेड़ जेट के शासक और उनकी पत्नी द्वारा लगाया गया था। ये पेड़ हर 3000 साल बाद अमर कर देने वाले फल देता है, जिसे राजा जेड बाकी देवताओं को भी देते थे, जिससे वो सदा अमर बने रहते थे। इस पेड़ की सुरक्षा मंकी किंग द्वारा की जाती थी, जिसने लालच में एक बार ये फल खुद खा लिया था, जिसकी वजह से उन्हें दंडित भी किया गया। आप सभी ने फिलोसोफर्स स्टोन यानी कि पारस पत्थर के बारे में तो जरूर सुना होगा। इसमें एक तरीके का केमिकल होता था जो लोहे के साथ रिएक्ट करके उसे छूते ही सोना बना देता था। कहा जाता है उस पत्थर को अपने पास रखने से वो रखने वाले को अमर बना देता था। नॉर्स लोगों के अनुसार उनके भगवानों के अमर रहने का राज था सोने के सेब। ये सेब वसंत ऋतु की देवी के बागों में आज भी उगाए जाते हैं। हिंदू धर्म में भी ये बताया गया है कि खरबों साल पहले देवताओं और राक्षसों ने अमर होने के लिए साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सोची थी, जिसके लिए उन्होंने एक पर्वत और सांपों के राजा को रस्सी बनाकर जादुई समुद्र को मथना चालू कर दिया। इस मंथन में काफी चीजें निकलने लगी, फिर आखिरी में निकला अमृत, जिसे भगवान विष्णु ने लड़की का रूप धारण करके असुरों को नहीं पीने दिया था। सुमेर कहानियों के अनुसार एक ऐसा पौधा है, हालांकि ये पौधा दिखता कैसा है इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है। क्रिश्चियन धर्म भी अमर होने की सोच से दूर नहीं रहा। उनके अनुसार अमर करने वाली चीज होती थी होली ग्रेल। ये वो कप है जिसे जीसस क्राइस्ट ने अपने आखिरी खाने के समय इस्तेमाल किया था। कहा जाता है जब क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया गया था तो इसी कप में उनके खून की कुछ बूंदे संभाल ली गई थी। तो दोस्तों, इन पौराणिक चीजों के पीछे की सच्चाई जानना तो असंभव है, पर अगर आपको अमर बनने का कोई तरीका पता चल जाए तो क्या आप अमर होना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। साथ ही साथ ऐसे अद्भुत वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।